बीकॉम पार्ट सेकंड में प्रमोट होकर आए सभी विद्यार्थियों का इस पहले ई लेक्चर में स्वागत है। आपके फर्स्ट ईयर की जिस तरह की स्टडीज का मालूम मैं बताऊंगा, जैसे आपने साल भर परफॉर्मेंस दिया, हमने मंथली टेस्ट भी आयोजित किए, उसके बाद में जिस तरह का क्लासरूम में आपने बढ़ के जवाब दिए या टेस्टों में जैसा परफॉर्मेंस किया, उसके हिसाब से हमें तसल्ली है कि एग्जाम चाहे हुए या नहीं हुए, लेकिन आपने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये तो निश्चित हो चला है कि आपके लिए पार्ट फर्स्ट के एग्जाम नहीं होंगे, तो आप सेकेंड ईयर में अपने आप को सभी प्रमोट हुए मानिए। अब सेकेंड ईयर में हमारे दो पेपर्स हैं, अपना मेन सब्जेक्ट का ध्यान है आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक प्रशासन। इस व्यावसायिक प्रशासन में साल भर हमको इन दो पेपर्स की स्टडीज करनी है। पहला पेपर है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, हिंदी में इसका नाम है कंपनी अधिनियम एवं सचिव पद्धति। कंपनियों के बारे में, चाहे कंपनी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लें, कंपनियों के मीनिंग की बात कर लें, नेचर की बात कर लें, टाइप्स की बात कर लें, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनियों का मैनेजमेंट कैसे होता है, कंपनी की मीटिंग्स के बारे में क्या नियम है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, और यहाँ तक कि कंपनी का वाइंडिंग अप कैसे होता है, कंपनी का समापन कैसे होता है, ये सारी बातें इस पेपर में आपके लिए दी जाएंगी। अब ये पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये अब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी एक ऐसा इशू है जिसकी आपको हर समय रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे आप कंपनी में किसी भी रूप में ज्वाइनिंग करें, कंपनी के मेंबर बने, कंपनी के डायरेक्टर बने, कंपनी के मैनेजर बने, और कुछ भी नहीं कर पाए तो आप कम से कम कंपनी के कस्टमर तो बनेंगे। कस्टमर के रूप में या कंज्यूमर के रूप में आपकी हमेशा एक रोल प्ले करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको ये नेचुरल चीज़ है, उसको आपको हमेशा डील विद करना है। तो इसके लिए कंपनी मैटर्स के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो चाहे वो शेयर होल्डर के रूप में, चाहे मेंबर के रूप में, चाहे डायरेक्टर के रूप में, चाहे एक कस्टमर के रूप में, आपको कभी भी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और कंपनी मैटर्स के बारे में आपका कमांड रहता है, तो हर जगह पर एक ऐसा माहौल दिखेगा जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को आप विन ओवर की स्थिति में आ सकते हैं। और खाली कंपनी लोने सेक्रेटरी प्रैक्टिस, कंपनियों में ज़्यादातर जो मामले होते हैं उसमें सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, कंपनी की मीटिंग कॉल करने के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, हर चीज़ के लिए सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए एक सेपरेट पूरी यूनिट इसके बारे में है कि किन किन चीज़ों के बारे में सेक्रेटरी क्या क्या करता है, उसके बारे में आपको दिया गया सचिव पद्धति सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो ये पेपर जब हम पूरा कवर करेंगे तो कंपनियों के बारे में आपका जो सारा सिनेरियो है, कंपनियों की जनरल इमेज से लेके कंपनियों की डेप्थ स्टडीज के बारे में, कंपनियों के बारीकियों के बारे में, और कंपनी में क्या क्या काम होते हैं, कब कब होते हैं, कैसे नियम बनते हैं, किस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इन सब के बारे में आपकी जानकारी, विजन और उसके बारे में हैंडल करने का जो नज़रिया है, ये हमारा ब्रॉड होकर निकलेगा। और ये एक ऐसा पेपर है, जरूर बता रहा हूँ मैं आपसे, कि इस पेपर की स्टडी करने के बाद आपका जनरल कम्युनिकेशन, चीज़ों को कम्युनिकेट करने का तरीका, कि हम चीज़ों को कैसे बताते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जैसी भाषा है, उसमें आपको लंबे लंबे सेंटेंस फॉर्मेट करना, और किस तरह से फॉर्मल तरीके से। अब आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, इस पर कोई ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं पड़ती है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आपको दे सकता है कि जिसमें आपका केवल एक पेपर क्लियर नहीं होगा, बल्कि आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको भी एनलिश करने में ये पेपर आपकी हेल्प करेगा। तो ये पेपर हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट। आप तो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में आपको पेपर दिया जा रहा है, लास्ट ईयर आपने पढ़ाई है, फर्स्ट ईयर में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसी का एक्सटेंशन माने। हालांकि उस समय आपको 5 लॉ हमने दिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, फैक्ट्रीज एक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, पेटेंट कॉपीराइट एक्ट था, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। यहाँ पर केवल एक एक्ट, एक लॉ, कंपनी लॉ, ये हम थ्रू आउट द सेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये यकीन मान के चलिए कि अगर आपका कंपनी के बारे में परसेप्शन क्लियर हो गया, तो आपके बहुत सारे बिजनेस मैटर्स हैं वो वैसे ही आसान होते चले जाएंगे। आपकी ओवरऑल जो इसके बारे में साइकोलॉजी है उसको बदलने में भी हेल्प करेगा। और ये तो स्टूडेंट बीकॉम सेकेंड ईयर के रूप में जो सीए करते हैं, जो सीएस में एंट्री लेते हैं, जो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई करते हैं, उन सबके लिए कॉरपोरेट लॉ के रूप में कंपनी लॉ दिया जाता है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। तो हम लकी हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर ही हमें पेपर देखने को मिल रहा है, तो इसको जैसा आपको गाइड किया जाए उस चीज़ को उस रूप में देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए आप इसको थोरली देखेंगे, तो आपका केवल विजन नहीं बढ़ेगा बल्कि
एग्जाम में परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो भी उसको बहुत बूस्ट करने में मदद मिलेगी। और कल ही पेपर की बात ही, दूसरा पेपर इसका आज समय ऐसा है, मार्केटिंग का समय है, मार्केटिंग का जमाना है कि प्रोडक्ट है, सर्विस है, प्रोडक्ट जो दिखाई देता है, जैसे ये डस्टर है आप देख पा रहे हो, ये चोक है देख पा रहे हो, ये है टेंजिबल प्रोडक्ट्स। और सर्विसेज होते हैं जैसे बैंक की सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, तो इन चीज़ों को भी एक आइडिया के रूप में, एक सर्विस के रूप में हम देने की कोशिश करें। तो उसमें क्या क्या आस्पेक्ट है, मार्केटिंग केवल बेचना नहीं है, मार्केटिंग है कन्विंस करना, मार्केटिंग है कस्टमर क्रिएशन करना, मार्केटिंग है एक ऐसा माहौल बना के चलना जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को या अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को एक बड़ा सेगमेंट दे पा रहे हैं, बड़ी ऑडियंस के साथ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। तो बेसिकली कहा तो ये आता है कि मार्केटिंग के 4 P हैं, 4 P हैं, तो उन 4 P के ऊपर मार्केटिंग टिका हुआ है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक प्रोडक्ट, टेंजिबल या इंटेंजिबल, प्रोडक्ट या सर्विस, ये लेकर उसकी एक, ये हम बात कर लें प्रोडक्ट की बात कर लें, और प्रोडक्ट आपके पास है तो दूसरी बात आ जाएगी प्राइस की। फ्री में कोई नहीं देता है माल, कोई मुफ्त में नहीं बेचता है, सर्विस कोई फ्री में नहीं देता है, उसके लिए कीमत वसूल की जाती है। तो वो कीमतें कैसे तय की होती है, आपको ऑफर करने की जो बात आती है, प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है, तो उसके लिए उस कीमत को निकालने के लिए कंपनी क्या करती है वो आपको बारीकी से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरी चीज के रूप में हम डील करेंगे प्रमोशन, कस्टमर तक जानकारी। अब आप माल खरीदने जाते हैं, कैसे खरीदेंगे, कोई प्रोडक्ट है आपको पता कैसे चलेगा, तो वो जानकारियां जिससे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराया जा सके, उसकी उपलब्धता के बारे में अवेयर किया जा सके, वो प्रमोशन। और आखिरी चीज इसमें आती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक वितरण। माल आपके पास था, कस्टमर को आपने बेच दिया, माल का फिजिकल ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया, ये हो जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले ओनर आप थे, अब ओनर हो गया जिसने आपको पेमेंट किया है, जिसने आपको उन शर्तों को पूरा करने के बाद में वो माल एक्वायर कर लिया है। तो अगर ये 4 चीजें हो जाए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मार्केटिंग हम पूरा करने की स्थिति में आ गए। लेकिन इसके अलावा भी मार्केटिंग कुछ है, जैसे प्रोडक्ट हम कुछ भी ऑफर करें कस्टमर ले लेगा, ऐसा नहीं है। हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट की पहले जानकारी लेनी पड़ेगी, कस्टमर क्या चाहता है, इसकी आवश्यकता का, अपेक्षाओं का पहले पता करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या तो बनाओ, और जो बनाता है वो भी बिजनेस करते हैं, जो कहीं से मान लो बना बनाया माल लेते हैं और आगे रिटेलर के रूप में, होलसेलर के रूप में वो सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, वो बिजनेस का काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बनाओ या कहीं से एक्वायर करो, ये आपका पहला, प्रोडक्ट बनने से पहले का काम जिसमें आपको कोई रिसर्च करनी पड़ेगी, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर कितना दे सकता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये पता करने का काम आपका रिसर्च से पूरा होगा। और जब माल का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो है पोस्ट सेल सर्विसेज, विक्रय के बाद की सेवाएं। ज्यादातर लोग जानते हैं गारंटी और वारंटी, ये आज के जमाने में बहुत पॉपुलर वर्ड्स है। गारंटी या वारंटी के साथ अगर प्रोडक्ट को या सर्विस को कस्टमर को दिया गया है तो निश्चित मान के चले कि आपकी तरफ उनको खींचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, कि माल बेचने के बाद में वो डिसेटिस्फाइड हो रहा है, उसको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसको दो गारंटी सर्विस, दो वारंटी सर्विस दो। और खाली ये दो ही सर्विस नहीं है, बहुत सारी है, जैसे उसके पास पैसा नहीं है तो हम फाइनेंस फैसिलिटी दे सकते हैं, घर पे माल कैसे लेके जाए तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे सकते हैं, घर पे वॉशिंग मशीन लेके चला गया, एसी लेके चला गया, तो उसके लिए उसको देनी पड़ेगी हमको इंस्टॉलेशन फैसिलिटी। तो ये सारी की सारी आती है पोस्ट सेल सर्विसेज, कि हमारा माल हम बिक गया बस हम सेटिस्फाई हो गए, ऐसा नहीं है, हमको देना पड़ेगा पोस्ट सेल सर्विसेज। तो इन 4 P के साथ ये रिसर्च और पोस्ट सेल सर्विस, ये जोड़ने के बाद में जो हमारा सिनेरियो बनेगा, ये पूरा का पूरा पेपर हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। पूरे साल भर हम इन टॉपिक्स को, अब इसी में प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कम से कम 3-4 चैप्टर हैं, प्राइस के बारे में 2 चैप्टर मिलेंगे, प्रमोशन के 5 चैप्टर हैं, प्रमोशन की 5 टेक्निक्स हैं, एक होती है विज्ञापन, दूसरी होती है पर्सनल सेलिंग, तीसरी होती है सेल्स प्रमोशन, चौथी पब्लिसिटी और 5वीं होती है पब्लिक रिलेशन। इन सब के बारे में 1 चैप्टर में वो बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फिर हमारे होलसेल का अलग चैप्टर है, रिटेलिंग का अलग चैप्टर है, एजेंसी का अलग चैप्टर है, रिटेल आउटलेट्स का अलग चैप्टर है, उनकी बातचीत करेंगे। तो पूरा सिलेबस इस तरह का है। तो ये आज की क्लास में आपको केवल एक पूरा कंसेप्चुअल बैकग्राउंड हम दे रहे हैं, ये 2 पेपर
ये खाली पेपर नहीं, दोनों प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के बारे में बातें हैं। ये आपको कंपनी इश्यूज को, कंपनी मैटर्स को, आपकी जानकारी को मैनेज करेगा, और ये पेपर माल खरीदने के रूप में भी या बेचने वाले किसी भी पक्षकार के रूप में अगर आप रोल प्ले करना चाहते हैं तो मार्केटिंग के ऊपर आपको ध्यान बनानी होती है। तो आशा करते हैं ये खाली बेसिक जो चीज़ है ये आप आज लेकर अपने आप को इसके बारे में प्रिपेयर करेंगे, और आने वाले क्लासेस में इनके बेसिक की जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।